हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ ऑटो सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स। हाल ही में इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म करा है मार्केट को भी और ऑटो इंडेक्स को भी। गाइस, इस स्टॉक में देखा जाए तो 502 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव। और आज के दिन मार्केट में एक कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक देखने को मिल रहा है हम सभी को, लेकिन उसके चलते भी स्टॉक कहीं ना कहीं वीक परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है आज के लिए बात करूँ तो। मैं गाइस, स्टॉक की बात करूँ तो 507 के लेवल्स पे ओपन होता हुआ दिखा, जिसके बाद हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा 510 तक, और वहां से एक शार्प डाउन टिक देखने को मिली 497 तक, और अभी 502 पे ट्रेड कर रहा है। 10:21 हो रहे हैं अभी। वॉल्यूम्स की बात करूं 40 मिलियंस का एवरेज वॉल्यूम है, और 10:21 यानी करीब करीब एक घंटा हुआ है मार्केट खुले हुए, और अभी तक 8.6 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। स्टॉक गाइस आउट परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अगर एक साल के रिटर्न देखोगे आप इस स्टॉक के तो 232% के रिटर्न्स दिखेंगे एक साल में। अगर आप कहोगे यार ये तो ज़्यादा नहीं है, मार्केट भी बहुत बड़ा चला है, तो आप अगर ऑटो इंडेक्स को उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ भी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। और गाइस, ब्रोकरेज हाउसेस का इस पे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार व्यू है। उसका एकमात्र रीज़न है, सबसे बड़ा एकमात्र रीज़न जो है वो है ई व्हीकल्स। गाइस, स्टॉक जो है ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बढ़ चढ़कर कदम ले रहा है। और कल के सेशन में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई जहां पे टाटा मोटर्स कमेंट्री में कहा गया कि हम 2025 यानी FY25 तक अपने 10 इलेक्ट्रिक मॉडल्स पेस करेंगे, यानी 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लॉन्च हो जाएगी स्टॉक में। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, और इनका मानना है कि हम FY23 से FY24 के बीच में कहीं ना कहीं 1,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स करने लगेंगे, जो अभी अराउंड 30,000 की सेल्स है पर ईयर पे। तो ये एक बहुत बड़े ट्रिगर है, और ई व्हीकल्स के मामले में कहा जा रहा है कि भारत की टेस्ला है टाटा मोटर्स। तो इसी के चलते स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाया। वहीं पे इसके कॉम्पिटिटर पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति सुजुकी का बयान आया कि हम 2025 तक अपना ई व्हीकल लाने की सोचेंगे। तो जहां ये 10 मॉडल लॉन्च कर देंगे वहां पे वो सोचेंगे ई व्हीकल लाने के बारे में। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और बात करते हैं कि अगर आपके पास है ये स्टॉक तो क्या करना चाहिए, और नहीं है तो क्या बाय करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइज, स्टॉक का अभी तक का हाल मैंने आप सभी को बता दिया है, 502 पे ट्रेड कर रहा है। करना क्या चाहिए, देखिए गाइज, अगर मैं शॉर्ट टर्म बिल्कुल पोजिशनल ट्रेडर और ट्रेडर की बात करूं, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जो ट्रिगर थे वो बता दिए आपको। ई व्हीकल्स मॉडल्स कितने आने हैं, कौन सी कब तक आने हैं, और क्या हो सकता है इसके लिए फोकस। बट आपको साथ ही साथ लॉन्ग टर्म वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है ऑलवेज। तो ये जितने भी ट्रिगर है ना, इन पे स्टॉक कहीं ना कहीं ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है काफ़ी पॉजिटिवली, और काफ़ी शानदार तेजी भी दिखा रहा है, और जैसा हम लोग सोच रहे हैं उस पर तो रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर उससे अच्छा होता है तो स्टॉक और तेज भागेगा, लेकिन वहां से अगर थोड़ा बहुत भी डाउन देखने को मिला तो स्टॉक में करेक्शन भी आ सकता है। ये आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लें, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो जितनी भी पॉजिटिव चीजें ई व्हीकल्स और मॉडल्स को लेकर और इनकी सेल्स जो ये बोल रहे हैं उस पे स्टॉक रिएक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। आपने सभी ने देखा 300 रुपये से 600 का एकदम से हो गया स्टॉक डबल के आसपास, तो वो आप जरूर याद रखें। अगर वहां से थोड़ी भी अगर डाउनफॉल देखने को मिला तो स्टॉक नेगेटिवली भी रिएक्ट करेगा। गाइज, मैंने एक महीने का चार्ट खोल लिया और मैंने देखा कि 420 रुपये से स्टॉक में 500 की रैली एक साथ आई, और उसके बाद स्टॉक नीचे में 480 का बेस बना रहा है। ये ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूं मैं, 480 का बेस बना रहा है, ऊपर में 520, और ये 520 से ही दोबारा से नीचे आता हुआ दिख रहा है हमें। 502 पे ट्रेड कर रहा है अभी। सबसे पहले 520 पे गया 14 अक्टूबर को, उसके बाद नीचे आए 480 तक, फिर दोबारा ये 510 पे गया, फिर नीचे आया 480 तक, और ये फिर अभी 9 नवंबर को 520 पे गया और फिर नीचे आ रहा है 501 पर। तो क्या करना चाहिए गाइस, मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं आपको 490 और 480 तक आता हुआ देख सकता है। ये स्टॉक ट्रेडिंग की प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, तो एक रेंज हो रही है 480-520, तो इस रेंज में कहीं ना कहीं आप ऊपर बेचें नीचे खरीदें। चार बार ये हो चुका है 13 अक्टूबर से लेके आज तक, यानी 12 नवंबर से 13 अक्टूबर से 12 नवंबर, एक महीना करीब करीब हो गया, इस बीच में चार बार हो चुका है ये। गाइस, स्टॉक में नीचे जो मीडियम टर्म पोजिशनल ट्रेडर है, पोजिशनल बायर है, उनको कहीं ना कहीं 480 का SL रखना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे 475, 5 रुपये का क्वेश्चन और रख लें आप, 475 का SL रखिए और स्टॉक में बने रहिए। लेकिन ट्रेडर के लिए कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव लग रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है स्टॉक, आज के सेशन में नेगेटिव रिएक्ट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ये स्टॉक थोड़ा सा
नीचे 490 तक यानी यहाँ से 2% करीब नीचे जाता हुआ दिखे। तो मेरी सलाह आपके लिए यही होगी, अगर आप ट्रेडर हैं और आप अगर रखना बिल्कुल ट्रेडर हैं और आप बिल्कुल एसएल ढूंढ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। 490 तक स्टॉक जा सकता है और उसके बाद आप 490-485 पे बाय कर सकते हैं 510-515 के लिए। तो ये मेरी वीडियो टाटा मोटर शेयर पे, आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।